दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक है। बहुत जल्दी हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। चुनाव को आप मान लें तो जो 3 नवंबर तक हरियाणा की नई विधानसभा का गठन होना है, अगर उसके लिहाज से माना जाए तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव हो जाएगा। चुनाव मतों की गिनती भी हो जाएगी और परिणाम भी आ जाएगा, अगर कम समय भी देखा जाए। और इस लिहाज से देखा जाए तो फिर सितंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उस लिहाज से देखें तो फिर अब 2 महीने बच गए हरियाणा के अंदर चुनावी नगाड़ा बजने में। चुनावी नगाड़ा बजने को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आप सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाई है, तो दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके एक अलग संदेश दे दिया है। दोस्तों, जब राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, वहीं नेताओं की भी तैयारी है। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता का आज बयान आ गया, जिसने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी। और वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर, हरियाणा के पूर्व स्थानीय निकाय मिनिस्टर, रोहतक के पूर्व विधायक मनोहर लाल के बहुत नजदीकी रहे मनीष ग्रोवर। हरियाणा के अंदर कई जो संगठनात्मक गतिविधियां चलते हैं उनके अगुआ रहते हैं मनीष ग्रोवर। और मनीष ग्रोवर ने आज एक प्रेस वार्ता करके ऐलान कर दिया कि अब वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई, राजनीतिक गर्मी बढ़ गई, राजनीतिक पारा चढ़ गया कि आखिर मनीष ग्रोवर को क्यों कहना पड़ा कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष ग्रोवर जो कह रहे हैं कि वो संगठन की सेवा करेंगे, 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं मनीष ग्रोवर, विधायक तो एक ही बार बने लेकिन चुनाव उन्होंने अलग अलग टाइम पर 5 बार लड़े। 2014 में मनीष ग्रोवर विधायक बने थे और 2014 में मनीष ग्रोवर के विधायक बनने के बाद उनको मनोहर सरकार के अंदर वजीर बनाया गया। मनीष ग्रोवर, अगर मैं कहूं आपसे कि मनोहर लाल खट्टर के बहुत नजदीकी लोगों में शामिल रहे हैं। मनोहर लाल जी जब तब मनीष ग्रोवर के निवास पर पहुंचते थे रोहतक, उनका जो पैतृक घर है, क्योंकि रोहतक ही पैतृक घर मनोहर लाल जी का भी है, तो मनोहर लाल जी पहुंचा करते थे मनीष ग्रोवर के निवास पर। इवन कभी वो पतंग उड़ाते थे, कभी वो और कोई खुशलफजी करते थे। और इस सबसे माना जाता था कि मनोहर लाल के बहुत नजदीकियों में शामिल हैं मनीष ग्रोवर। और खाली कहने के लिए नहीं, ऐसे कई मौके आए जब ये सामने आता था। इतना ही नहीं, अरविंद शर्मा जो रोहतक के सांसद थे पूर्व, जो सांसद बने 2019 में, उन्होंने तो मनीष ग्रोवर जी के बारे में कई कई बार प्रकार की बातें कही। यहां तक कहा कि चुनाव हारने के बाद भी ये सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। यहां तक कहा कि मनीष ग्रोवर की वजह से नुकसान हो रहा है। लेकिन अब मनीष ग्रोवर जी ने कह दिया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही हुआ था। कई नेताओं ने संन्यास लिया था, कई नेता साइड हो गए थे। इवन गौतम गंभीर जो दिल्ली से सांसद थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हंसराज हंस को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब भेज दिया था। और भी कई नेता ऐसे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संन्यास ले लिया, उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मनीष ग्रोवर का जो संन्यास है, ये क्या कहता है? जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अभी जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी भी थे मनीष ग्रोवर। और ऐसे स्थिति में जब पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता अगर चुनाव लड़ने से मना करते हैं, क्योंकि मनीष ग्रोवर का जो रुतबा, जो ओहरा था, वो हमने भी देखा, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। 2014 के चुनाव से पहले भी मनीष ग्रोवर ने कई चुनाव लड़े और स्थिति ये होती थी कि उनके चुनाव के अंदर स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी, बड़ी खराब स्थिति हो जाया करती थी। 2019 के चुनाव में तो जिस प्रकार से उनकी हार हुई मनीष ग्रोवर की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई, भले ही पूरा बहुमत ना मिला हो लेकिन सरकार भी बनी। और रोहतक जो शहरी इलाका है वो माना जाता है, मैं आपको ध्यान जरूर दिलाता चलूं कि 2014 की सरकार में, आपको ध्यान होगा, जो हरियाणा के अंदर हुआ था, हरियाणा के अंदर उस समय जाट और नॉन जाट का मुद्दा बड़ा उठा था और वो शुरुआत उसकी रोहतक से हुई थी।
रोहतक से शुरुआत हुई थी दोस्तों उसकी, पंजाबी समुदाय, सैनी समुदाय और तमाम लोगों के साथ में, और सामने जाट समाज के लोगों के अंदर जो तनातनी बची थी वो पूरे हरियाणा तक पहुंची थी। और आपको ध्यान होगा कि तभी से हरियाणा के अंदर कोई नारा तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं गूंजा करता था कि 35 बनाम एक, ये वो तमाम प्रकार की बातें, यानी कि आपसी भाईचारा खूब खराब हुआ। और आपको मैं ध्यान भी दिला दूं कि उसी को लेकर के एक वाकया वो भी था कि जब मनीष ग्रोवर जी एक गांव में पहुंचे थे तो गांव के लोगों ने उनको नजरबंद कर लिया था, उनका घेराव कर लिया था। अरविंद शर्मा कहते हैं कि मैं उनको लेके आया था। खैर, ये सारी बातें हैं, लेकिन अब बात आ जाती है फिर वही कि मनीष ग्रोवर का पावरफुल, ये माने कि मुझे कुछ अधिकारियों ने कई बार बताया, जो बातचीत चलती है, अनौपचारिक बातचीत जो हुआ करती हैं, तो उनमें बताया कि मनीष ग्रोवर इतने पावरफुल थे कि एक बार उन्होंने किसी जिले के अधिकारी को फोन भी किया कि कुलदीप बिश्नोई का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, जो बड़े नेता अपने आप में, कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता रहे हैं, और उनके लिए अगर ये संदेश मनीष ग्रोवर जी दे रहे हों तो फिर बड़ी बात है। और आप, मनीष ग्रोवर का जो मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल 2014 से 19 नहीं, बल्कि 19 के बाद जब सत्ता मनोहर लाल जी की आई दोबारा, और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब तक मनोहर लाल जी रहे, आज का रुतबा मुझे पता नहीं, कुछ कई काफी समय से बात नहीं, लेकिन क्योंकि अचानक से चर्चा में आए मनीष ग्रोवर आज ये कह करके कि मैं अब राजनीति में नहीं, संगठन में ध्यान दूंगा, यानी कि चुनावी राजनीति नहीं करेंगे। आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में मनीष ग्रोवर की दावेदारी नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले वाली बात, तो क्या ये मनीष ग्रोवर जी को भी लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? क्यों कहना पड़ा उनको आखिर? यहां दोस्तों बताना एक बात और भी जरूरी है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कि डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव जीतकर सांसद बने और दीपेंद्र हुड्डा हारे, उस चुनाव के अंदर रोहतक जो शहर वाली विधानसभा सीट है जहां से मनीष ग्रोवर की दावेदारी होती है, वहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में पिछड़ गए थे अच्छे अंतर के साथ, बड़े अंतर के साथ। और वहीं जब चुनाव वहां पर 4-5 महीने बाद विधानसभा का हुआ 2019 में, तो मनीष ग्रोवर भारत भूषण बत्रा जी से चुनाव हार गए बीबी बत्रा से। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर 2019 में जब लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा था बीजेपी का, लेकिन विधानसभा में मनीष ग्रोवर हार गए, और वहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई कि ये बीजेपी की नहीं, मनीष ग्रोवर की पर्सनल अपनी हार थी। अब ऐसे में अगर 2024 के चुनाव से पहले ही, जबकि अब हाल ही में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसका रिजल्ट आया अभी पिछले दिनों 4 जून को जो रिजल्ट आया, उस परिणाम के अंदर रोहतक संसदीय क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा जीते, और दीपेंद्र हुड्डा ने जीत करके रोहतक शहर वाली विधानसभा सीट से भी अच्छी बढ़त हासिल की। यानी कि जहां 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छी बढ़त ली थी, लेकिन विधानसभा में ग्रोवर हार गए थे, अब जब लोकसभा का चुनाव 2024 का है, और लोकसभा 2024 के चुनाव में यहां पर दीपेंद्र हुड्डा बड़े अंतर से चुनाव जीते रोहतक शहर से, तो क्या मनीष ग्रोवर को कहीं आगे के लिए लगा कि कोई गड़बड़ हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जो शख्सियत राजनीति के मुख्य गलियारे के अंदर जिनकी धनक रही हो, जिनकी धमक रही हो, अगर वो चुनाव लड़ने से मना करते हैं तो फिर बातें कही जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मनीष ग्रोवर का चुनाव लड़ने से मना करना, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में अभी कुछ और नेता भी हो सकते हैं जो ये कहें कि वो चुनावी राजनीति नहीं करेंगे? और आपसे फिर एक सवाल वही आज कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी कौन बाजी मारेगा, और या फिर इनेलो बसपा गठबंधन कोई खेल करेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।